मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज जो है वो डिजाइनर्स से और मार्केटियर से ये क्वेश्चन करती है कि जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनके डिजाइन जो हैं वो बहुत वेल परफॉर्मिंग है, उनके डिजाइन की एक प्रॉपर केमिस्ट्री बनी हुई है, उनकी ब्रांडिंग हुई। हाय एवरीवन, माय नेम इज शेनूर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्रांड प्लेबुक, व्हाई एंड हाउ यू शुड बिल्ड योर ब्रांड प्लेबुक। फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्रांड प्लेबुक। ब्रांड प्लेबुक कंपनी को, आपकी कंपनी को पब्लिकली जो रिप्रेजेंट करती है उसको ब्रांड प्लेबुक कहते हैं। ब्रांड प्लेबुक के अंदर जो चीजें इंक्लूड होती हैं उसके अंदर कंपनी का मिशन होता है, कंपनी का विजन होता है, कंपनी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगोज होते हैं, कंपनीज के स्लोगन्स होते हैं, डेमोग्राफिक्स होते हैं, चैनल स्ट्रेटजीज होती हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है, चैनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कंपेटिटर्स के डिफरेंट डिजाइन को उस ब्रांड प्लेबुक के रखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को ये ब्रांड प्लेबुक प्रोवाइड करती है और ये ब्रांड प्लेबुक से देख के एम्प्लॉयज जो है वो कंपनी की डिजाइन प्लस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अंडरस्टैंड कर लेता है। अब बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये है कि ये बेसिकली डिजाइनर सारे जो हैं ये ब्रांड प्लेबुक को कंपाइल करते हैं। ब्रांड प्लेबुक डिफरेंट टूल्स के अंदर कंपाइल होती है, फोटोशॉप के अंदर, इलस्ट्रेटर के अंदर, इन डिजाइन के अंदर, ये एडोबी के डिफरेंट टूल्स के अंदर डिजाइन होती है और इस पर जो रिसर्च होती है वो मिलके एक डिजाइन और मार्केटियर जो है वो मिलके एक इसके बारे में रिसर्च करते हैं। जो मार्केटिंग एंड से बेसिकली इसके अंदर सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स बेसिकली ये डिसाइड करता है कि आपका ब्रांड और आपकी सारी भी जितनी भी कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं या सर्विस हैं ये कौन से मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएंगी। सबसे पहले वो अपने चैनल की स्ट्रैटेजी डिफाइन करता है, वेदर ये फेसबुक के लिए हैं, इंस्टाग्राम के लिए हैं, लिंक्डइन के लिए हैं, ट्विटर के लिए हैं, स्नैपचैट के लिए हैं, वो सारी चैनल की एक स्ट्रैटेजी डिफाइन करता है। उसके बाद ये देखा जाता है कि आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस कौन सी मार्केट के अंदर जाएगी, कौन से रीजन के अंदर जाएगी, वेदर वो यूरोप के अंदर जाएगी, वेदर वो मिडल ईस्ट के अंदर जाएगी, पाकिस्तान के अंदर जाएगी, या कहां कहां पे इसकी टारगेटेड ऑडियंस जो है वो बैठी हुई है, जहां पर जो आपकी प्रोडक्ट को या आपकी सर्विस को खरीदना चाहते हैं और लेना चाहते हैं। और फिर इसके अंदर डिफरेंट जो मजीद इसके अंदर अगर डिटेल के अंदर जाए तो इसके अंदर डिफरेंट जनरेशन की बात होती है। जेन एक्स के लिए ये प्रोडक्ट है, जेन वाई के लिए है, जेन जी के लिए है, या यंग मॉम्स के लिए ये प्रोडक्ट है। सिंपल मैं पाकिस्तान की लैंग्वेज के अंदर या पाकिस्तान की जो मेट्रिक्स चल रहे हैं, जो स्टार्ट चल रहे हैं, उसमें अगर मैं बताऊं तो ये कहते हैं कि बेसिकली ये यूथ के लिए है, ये हाउसवाइफ्स के लिए है, या ये बिजनेस ओनर्स के लिए है। तो बेसिकली जो भी आपकी प्रोडक्ट है या सर्विस है या डिजिटल प्रोडक्ट है या डिजिटल सर्विस है उसको डिफाइन, बेसिकली उसकी टारगेट मार्केट को डिफाइन करना और उसके सारे स्टार्ट्स डिफाइन करना, ये डेमोग्राफिक्स के अंदर आते हैं। फिर इसके अलावा इसके अंदर स्लोगन्स आ जाते हैं, ठीक है। स्लोगन्स जो हैं वो बिजनेस ओनर्स भी मिलकर डिसाइड कर देते हैं, समटाइम्स जो आपके आर्ट डायरेक्टर हैं वो भी स्लोगन्स आपके डिफाइन कर देते हैं। लेट से इफ यू टॉक अबाउट HBL, जहां ख्वाब वहां HBL, इफ यू टॉक उट डालडा, जहां मांगता वहां डालडा, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे और भी डिफरेंट होते हैं, जैसे 360 डिग्री आपका आया, जैसे मेक यू नेक्स्ट बिग, ठीक है। तो वो बेसिकली स्लोगन जो है वो आपके यूजर को डायरेक्टली या इनडायरेक्ट, ठीक है, वो आपको प्रेजेंट करता है। वो स्लोगन जो है वो यूजर को एक पूरी कंप्लीट स्टोरी आपके बिजनेस की बताता है। स्लोगन उसी को बेसिकली कहते हैं, और ऐसा स्लोगन जो आपकी कंपनी की पूरी स्टोरी बताए वही अच्छा और बेहतरीन स्लोगन होता है। इसके अलावा लोगोस की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। वो डिजाइनर डिजाइनर पे डिसाइड होता है कि इसकी नेगेटिव शेप्स करनी है, इसकी पॉसिबल जितने भी जो लोगों की फिलॉसफी है उसको लेके किस तरह से चलना है और लोगों किस तरह से डिफाइन करना है, ठीक हो गया। अब मैं लेट से 360 की एग्जांपल लेता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एंड यूजर है उसको पता नहीं चलता कि ये जो रिंग बना हुआ है ये एक्चुअली क्या है। ये बेसिकली 3 है, 6 है, 0 है। ये डिफाइन ये करता है कि 360 मतलब 360 डिग्री कंप्लीट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, कंप्लीट डिजाइन प्लेटफॉर्म्स, कंप्लीट मार्केटिंग सॉल्यूशंस, ये वो बेसिकली डिफाइन करता है। तो इस सर्कल के अंदर 360 को जिस तरह से इंडल्ज किया हुआ है तो वो एक बेसिकली एक लोगों की फिलॉसफी होती है। इसके अलावा हम इसके ऊपर जाएं तो चैनल स्ट्रैटेजी के अंदर ये डिफाइन होता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम आपका सोशल है, ठीक है, गूगल और यूट्यूब आपका वो सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर आ जाता है, या आपकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग आती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड। तो उसके अंदर आप ये डिसाइड करते हैं कि इस प्रोडक्ट को हमने या इस सर्विस को कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे अग्रेसिव लेके जाना है और कौन से प्लेटफॉर्म पे इसको लिटल लिटल थोड़ा सा मतलब इसके ऊपर पुश देते रहना, ठीक है। चैनल स्ट्रैटेजी के अंदर ये चीजें आती हैं। फिर हमारे कंपेटिटर का कुछ एनालिसिस होता है कि हमारे कंपेटिटर जो है इस रीजन के अंदर रहते हुए या इस मार्केटिंग निच के अंदर रहते हुए या इस प्रोडक्ट को लेके
कहां कहां पे एडवर्टाइज कर रहे हैं डेफिनेटली. और मैं हमेशा से यही बोलता हूं, जिस कंपनी का या जिस प्रोडक्ट का कंपेटिटर एनालिसिस स्ट्रांग है, उस प्रोडक्ट को मार्केट करने में देर नहीं लगती. ठीक है, वो उसी तरह वो विद टाइम अच्छी से अच्छी चीजें उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के अंदर परफॉर्म होती रहती है. इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप अपने कंपेटिटर की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को कॉपी करें, नहीं. उसके अंदर डेफिनेटली आप कुछ प्लस माइनसेस करेंगे, कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाएंगे कि जो उसको कंपीट कर सके, कंपेटिटर बोलते ही इसको. अब इसके अलावा जो है कंटेंट स्ट्रेटजी आपकी डिफाइन की जाती है. कंटेंट स्ट्रेटजी जो है वो बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगेन एसईओ के अंदर भी जो है कंटेंट इज नेक्स्ट बिग किंग. ठीक है, गूगल जो है वो आपकी यूजर की क्यूरी के अगेंस्ट ही आपको बताता है या आपकी वेबसाइट को, बिजनेस वेबसाइट को डिसाइड करता है कि इस कॉन्टेंट के अंदर जो है वर्थ है, इस कॉन्टेंट पे लोग बहुत ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये कॉन्टेंट जो है वो यूजर एंड पे बहुत ज्यादा यूजफुल है. ठीक है, कॉन्टेंट की एक प्रॉपरली स्ट्रेटजी बनाई जाती है. ठीक है, इसके अलावा सेगमेंटेशन भी आप उसकी बना सकते हैं कि फर्स्ट वीक के अंदर हमने जो है वो ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर रखना है, फिर सेकंड वीक के अंदर जो है हम ट्रैफिक पे रखेंगे, थर्ड वीक के अंदर हम कन्वर्जन पे रखेंगे. ये एक प्रॉपर भी फनल है और ये हर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और हर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के अंदर यूज होती है. जो लोग इसको यूज करते हैं, जो नहीं यूज करते वो तो फिर उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता. अच्छा, फिर इसके अलावा हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसकी डिजाइन सिमेट्री आती है. अगर इनको कैरोसेल के अंदर हमें प्रमोट करना तो वो कैसे करेंगे? अगर हमने इसको 1200x628 जो कि एक लैंडस्केप की इमेज बनती है, उसके अंदर हम इसको कैसे प्रमोट करेंगे? जो हमारी वीडियो के अंदर आएंगी, वीडियो के अंदर हमारी जो है वो कैसी केमिस्ट्री होगी हमारी मार्केटिंग की? ठीक है, हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के हिसाब से या हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से वीडियो का एक प्रॉपरली फ्रेमिंग या आप कह देंगे उसकी फॉर्मेट, वो ये सारी चीजें होती है. ठीक है, तो बहुत सारे बिजनेस और बहुत सारे कंपनीज ऐसे करती हैं कि उनका बिजनेस जो है वो रनिंग में आ जाता है, उसके बाद वो ब्रांड प्लेबुक को प्रेफर करते हैं. इट्स गुड, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि मतलब कि उस टाइम पे वो ब्रांड प्लेबुक बनाना ठीक नहीं है, बल्कि अच्छा है. जितना जल्दी ब्रांड प्लेबुक कंपनी की या किसी भी प्रोडक्ट की सर्विस की बन जाए वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि डेफिनेटली बाद के अंदर फिर बहुत सारी चीजें ना चेंज हो जाती है. फिर आप अपनी पिछली पोस्ट को, आप अपने पिछले कंटेंट को या अपने पिछले ब्लॉग को आप रिमूव नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के अंदर या सर्च इंजन के अंदर रैंक कर रहा होता है. ठीक है, तो डेफिनेटली वो ब्रांड इक्विटी जो है एक लेवल पे जाने के लिए वो इंपॉर्टेंट होती है. और स्टार्टअप्स के लिए या जिन लोगों ने अपनी अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, उनके लिए डेफिनेटली 110% यही रिकमेंडेशन है कि सबसे पहले वो अपनी ब्रांड प्लेबुक पे ध्यान दें. वो एक टाइम वन टाइम वो चीज सारी कंपाइल होती है और आपको लॉन्ग टर्म लेके चलती है. आपको डिजाइन कोई करना हो, आपको कुछ भी करना हो, डेफिनेटली उसके अंदर आपको कोई भी परेशानी नहीं आती. और मेक श्योर ये आर्ट डायरेक्टर और क्रिएटिव डायरेक्टर ही डिसाइड करते हैं कि ब्रांड जो है वो किस तरीके से मार्केट के अंदर फ्लोट होगा, क्योंकि डेफिनेटली उनकी एक स्ट्रांग रिसर्च होती है इसके ऊपर. वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछें. थैंक यू वेरी मच, सी यू सून.